मैं अभी हूँ लिटिल इंडिया में और यहाँ से ही मैं जाऊँगा। 6.5 डॉलर केजी एक किलो का 6.5। और मैं पहले दिन यहीं पे आया था जहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई थी एक वन डॉलर में। एक दो चीज़ें लेने आया था इस शॉप में, मगर काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। रेफल्स पार्क के बाहर आते ही नज़ारा कुछ ऐसा दिखा, देखिए क्या स्काई स्क्रैपर्स है, ये बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स। अब लग रहा हूँ मैं सिंगापुर आया हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से तीसरे दिन की सुबह में सिंगापुर में। मैं अभी जा रहा हूँ मरीना बे सैंड, मेरी लाइन और सुपर ट्री, जहाँ पे मैं रात में गया था तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे सीन था, लेकिन आज सुबह मुझे वहाँ जाना ही था। मैं अभी हूँ लिटिल इंडिया में और यहाँ से ही मैं जाऊँगा। और बट मैं उस वहाँ जाने से पहले चाइना टाउन जाऊँगा, क्योंकि चाइना टाउन में थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि रात को मैं लेट आऊँगा तो कल फिर मुझे कुछ शॉपिंग करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मेरी बूनलेस से बस है कुआलालंपुर के लिए। तो अभी चाइना टाउन जाके वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करके सीधा निकल जाऊँगा मरीना बे सैंड और सुपर ट्री की तरफ। यहाँ पे काफ़ी फ्रूट की शॉप्स है, तो सोचा कि बनाना ले लूँ, मगर उन्होंने कहा कि आप सिंगल या दो बनाना ले सकते हो, लेकिन वो वज़न करके लेना होगा, जैसे 6.5 डॉलर केजी एक किलो का 6.5। अगर कम लेना हो तो फिर उस हिसाब से पैसे देने होंगे। एयरलाइन दूसरी तरफ जा रही है, मुझे जाना है इस लाइन लेफ्ट की तरफ में, चाइना टाउन यहाँ से नज़दीक है। पहुँच गए चाइना टाउन, बड़े सही तरीके से पहुँच गए मैं यहाँ। और मैं पहले दिन यहीं पे आया था जहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई थी एक वन डॉलर में, और यहीं पे कुछ अभी शॉपिंग करूँगा। ये जगह बड़ी अच्छी लगी यार मुझे, शायद हॉस्टल भी यहाँ पे मैंने पहले बुक किया था, वो सही था, क्योंकि कुछ अलग जगह देखने को मिलती मुझे, क्योंकि मैं जहाँ पे रखा हूँ वहाँ तो खैर जहाँ वो तो अपने ही लोग हैं सब, यानी लिटिल इंडिया, बट यहाँ कुछ डिफरेंट मुझे देखने को मिलता ऐसा मुझे लग रहा है। ये चाइनीज़ पूरा कल्चर है यहाँ पर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक या दो डॉलर में, तो मैंने एक ले लिया ये नेल कटर। चलो एक याद तो रह जाएंगे कि मैंने यहाँ से कुछ लिया था। एक फ्रिज मैग्नेट भी लिया है दो डॉलर का, वो पहले दिन लिया था मैंने। एक दो चीज़ें लेने आया था इस शॉप में, मगर काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। चलो ठीक है, अब वापस तो आना होगा ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ से अभी निकल जाऊँगा मैं आइसक्रीम खा के मरीना बे सैंड। चॉकलेट भी ले लिया, ये ऐसा पैकेट लिया चॉकलेट का, और कुछ सोविनियर और कुछ चीज़ें ले ली, छोटी सी बैग। गिव मी वन सॉफ्ट Thank you.
खाना की ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, अच्छी दिखी तो चलो सोचा अंदर जाके देखे देख क्या है। ये काइट है, काइट मुझे लेनी थी बट ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे यहाँ से मलेशिया भी जाना है और वहाँ फिर ट्रैवलिंग में अगर ये टूट गए तो फिर मतलब है लेने। एक ये भी शॉप दिखी, कुछ डिफरेंट अच्छा लगा देख के। और गिफ्ट शॉप तो यहाँ पे भरमा रहे, जहाँ देखो वहाँ पे सभी गिफ्ट शॉप। चलो अब बस हो गए चाइना टाउन, अब चलते हैं सीधा मरीना बे सैंड। मरीना बे सैंड से पहले शायद एक जो मेर लायन है, जो शेर की एक प्रतिमा है, उससे पानी निकलता है जो कि सिंगापुर का बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। तो वो उससे पहले है या उसके बाद में देख लेता हूँ, फिर वहाँ पे मैं मेट्रो स्टेशन चूज़ कर लूँ से जाना। कितना गहरा है। चाइना टाउन से मैं ऑटरम पार्क आया, तो ऑटरम पार्क से मैं यहाँ से मुझे लाइन चेंज करनी है, ग्रीन लाइन लेनी है जो कि EWL, ये लाइन जो है ये सीधा रेफरेंस पार्क पे जाती है। अंदर से ही लाइन चेंज करनी है। रेफरेंस प्लेस इस जगह पे मेट्रो स्टेशन पे मुझे 7-Eleven दिखी जो कि ये सेकंड स्टोर है जो मुझे सिंगापुर में दिखा है। देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। के हिसाब से तो ठीक है बट मैंने जो लिटिल इंडिया में लोकल ग्रोसरी मार्केट में एक कोक लिया था 320 ml का, वो मुझे $1 में मिला था। वो रेट मुझे और जगह कहीं नहीं दिखा, बस वहीं पे वही रेट थे जो कि $1 या कहीं किसी शॉप में 1.20 ऐसे रेट थे वहाँ पे। यहाँ एक 7-Eleven भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, यहाँ पे कुछ महंगा नहीं मतलब इतना मॉल के हिसाब से, मॉल में तो महंगा ही है। रेफरेंस पार्क के बाहर आते ही नज़ारा कुछ ऐसा दिखा, देखिए क्या स्काई स्क्रैपर्स है, ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वाओ। अब लग रहा हूँ मैं सिंगापुर आया हूँ। और जो मर लाइन है वो सीधे मुझे जाना है और आगे से राइट लेना है ऐसा वे कह रहे थे, एक भाई साहब थे उन्होंने पूछा था मैंने। Oh, 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 oh
अगर यहाँ से रोड क्रॉस करना है तो ये बटन दबाना ज़रूरी है। देखिए बटन दबाते ही यहाँ पे लाइन क्लियर। तो इस तरीके का है हिसाब किताब सिंगापुर का। ट्रैफिक रूल फॉलो करना होते हैं और जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं वहाँ पे लोग आपको अगर रोड क्रॉस करते हुए देख लेंगे तो अपने आप रुक जाएंगे। जब आप रोड क्रॉस करेंगे तब वो लोग फिर बाद में जाएंगे।